हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफीम के बारे में, ओपीएम के बारे में, कि अगर अफीम इतनी ही हमारे लिए फायदेमंद है तो सरकार ने इसके ऊपर बैन क्यों लगा रखा है, क्यों लोगों को इसकी स्मगलिंग करनी पड़ती है, ये बैंड क्यों है बहुत सारे मुल्कों के अंदर। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो आपकी अफीम है ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर बैन है, इसकी खेती करनी वहां पर अलाउड नहीं है। लेकिन जो विस्की है, जो शराब है, शराब भी तो हमको हम उसके एडिक्टेड होते हैं, वो भी तो हमको बीमार करती है, हमारा लिवर खराब होता है, बहुत से लोग सालों साल बहुत से लोग मरते हैं। तो उसके ऊपर क्यों नहीं बैन लगाया जाता और अफीम के ऊपर ही क्यों बैन लगाया जाता है जिसका हमारे शरीर के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं है, बस हम उसके एडिक्टेड ही होंगे और कोई नुकसान नहीं करती, वो हमारे शरीर के ऊपर उल्टा बहुत से फायदे ही करती है। तो इसका जो बेसिक रीजन है उसको अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे आप लोग सरसों का तेल खाते हैं या कॉटन सीड ऑयल खाते हैं या सनफ्लावर ऑयल खाते हैं या और भी बहुत सारे जो वनस्पति तेल हैं वो खाते हैं, डॉक्टर्स हमको खाने से मना नहीं करते, लेकिन जो वनस्पति घी है जिसको डालडा घी बोलते हैं उसको डॉक्टर्स खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो वनस्पति तेल को प्रोसेस करके वनस्पति घी बनता है, तो उसके हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हार्ट के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही अफीम का है कि जो अफीम है, अफीम तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, वो वनस्पति तेल की तरह है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बाद में जब इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंसान को अकल आ गई तो ज्यादा अकल अच्छी भी होती है और खतरनाक भी होती है। 1805 के अंदर इसके अंदर एक अंग्रेज भाई साहब हुए हैं फ्रेडरिक, उन्होंने इसमें से मॉर्फिन निकाली, उन्होंने उसकी तकनीक विकसित की और लोगों ने फिर उसमें से मॉर्फीन अलग करनी शुरू कर दी और मॉर्फीन को प्रोसेस करके हीरोइन बननी शुरू हो गई। तो वो बहुत खतरनाक है, वो एक डेडली चीज है, उससे इंसान की मृत्यु 2-3 साल के अंदर बिल्कुल 110% हो जाती है। तो ये इसलिए ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी, अगर अफीम ही नहीं होगी तो मॉर्फीन नहीं होगी, अगर मॉर्फीन नहीं होगी तो हीरोइन नहीं होगी। इसलिए सरकार ने अफीम की खेती के ऊपर बैन लगाया और इसलिए ताकि हीरोइन का जो जड़ है उसी को समाप्त किया जा सके, और उस चक्कर में जो अफीम के गुण थे उनसे हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा, हमको वो जो चीज़ें हैं, हमको उन जो पहले हम अपना कोलेस्ट्रॉल कम करते थे और अपना बीपी कम करते थे, अपने ब्लड शुगर लेवल से कम करते थे अफीम से, हम अब उसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको अफीम नहीं मिलती है। कि जो इसके बाद में प्रोडक्ट्स बनते हैं अफीम से वो बहुत खतरनाक हैं, अफीम तक तो बात बहुत बढ़िया है, अफीम से आगे काम बहुत खतरनाक है। अब सरकार ने कंट्रोल्ड वे के अंदर इसकी खेती के लाइसेंस मिलते हैं, जितनी ये मेडिसिंस के लिए चाहिए उतनी ही लोग उगाते हैं, कुछ लोगों को लाइसेंस मिलते हैं, सबको नहीं, जैसे कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पर ये मिलती है, हर जगह ये नहीं मिलती। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।